अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट जिसका नाम है सदर मार्केट, जो कि हमारी दिल्ली में है। दिल्ली में जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पिछले कुछ दिन पहले किस तरह से दंगे फसाद हुए थे, उस दंगे फसाद के बाद फिर एक नई बीमारी कोरोना वायरस, इन दोनों के चलते इस वक्त सदर मार्केट में सूनापन छाया हुआ है। ये वही सदर मार्केट है जहां पर खत्म रखने की जगह नहीं मिलती थी। हिंदुस्तान भर से लोग आकर वहां पर शॉपिंग किया करते थे और एक होलसेल मार्केट थी जो कि एशिया मार्केट में एक जाना माना नाम था सदर मार्केट। तो आइए, हमारे नुमाइंदे पहुंच चुके हैं दिल्ली सदर मार्केट, आपको दिखाते हैं सदर मार्केट से खास खबर। स्वागत है आपका, मेरा नाम है फारिया खान। कोरोना वायरस के अब तक 45 से ऊपर केसेस आ चुके हैं भारत में, और अगर बात करें राजधानी की तो ये बीमारी काफी लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। आज हम आपको ले जाएंगे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट दिल्ली के सदर बाजार में। सदर बाजार जहां आम दिनों में कदम रखने की जगह नहीं होती है, आज होली के समय वहां सब कुछ सूना पड़ा है। आइए आज आपको ले चलते हैं उस मार्केट में और जानते हैं अपने रिपोर्टर्स के साथ कि दुकानदारों की वहां पे खरीदारी की क्या दशा है। मेरा नाम राजेंद्र है भैया। तो राजेंद्र जी, आपका किस चीज़ का काम है? हमारा ज्वेलरी का काम है। तो क्या कोरोना वायरस के वजह से मार्केट में कुछ अफेक्ट हुआ है या नहीं? इफेक्ट तो भैया इस चीज़ का इतना ज़्यादा पड़ा है कि काम धंधा नहीं है, लोग डर के मारे बाहर निकल नहीं रहे, बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा है, जो यहाँ पर है बाजार के अंदर देखो किसी ने मास्क लगा नहीं रखा है, तो इस तरह का तो कोई ऐसा वातावरण है नहीं यहाँ पर। वैसे बस ये दहशत की वजह से बाहर का व्यापारी नहीं आ रहा है यहाँ पर। मतलब कि कितना परसेंट आप कहेंगे कि अफेक्ट पड़ा है कोरोना वायरस के होने के वजह से? भैया मैं तो कहूँगा कम से कम 60% का इफेक्ट पड़ा है यहाँ। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा काम है भगवान कपड़े का और रंग गुलाल का। अच्छा, तो आजकल बाजारों की स्थिति क्या चल रही है? बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या इसका कारण क्या है? कारण ये है जो मोदी जी ने ये कोरोना वायरस का जो लोगों को ज्ञान दिया है, उस वजह से सब लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस के चक्कर में। मतलब कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है, 50% का फर्क है। 50%? आप 50% कम हो गई आपकी इनकम? 50% इसलिए कम है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पूरा मानते हैं, और जो बिना पढ़े हैं वो तो जानते हैं कि हमें तो होली खेलनी है तो खेल ली। काम का सेल नहीं है, व्यापार नहीं है, खाली बैठे हम लोग। आप अपना नाम बताइए। दीपक महाजन। अच्छा, तो दीपक जी आप किसकी दुकान है आपकी? कॉस्मेटिक है सर। कॉस्मेटिक्स? अच्छा, तो फिर धंधा कैसा चल रहा है आपका? हल्का ही चल रहा है सर। हल्का चल रहा है? हाँ जी। क्या वजह है हल्का चलने की? ये बीच में कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत दिक्कत आ रही है, काम नहीं है, उसका बिल्कुल ही खत्म हो गया। कोरोना वायरस मतलब आप धंधे का कम चल रहा है, इसका असर कोरोना वायरस की वजह से हुआ है? व्यापारी बाहर का आ नहीं रहा। व्यापारी नहीं आ रहा बाहर से? हम यहाँ वाले व्यापारी पर डिपेंड नहीं है, बाहर पे व्यापारी पे डिपेंड रहते हैं जी। यहाँ होलसेल का काम है। अच्छा, उसके चक्कर में यहाँ तो ग्राहक वैसे बाहर के ग्राहक पे डिपेंड है, इसलिए नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्दों खवातीन के लिए एक समुफीत टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।